में प्रदर्शन किया गया है एबीवीपी की तरफ से। यह बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन। आरएएस भर्ती मामले में इंटरव्यू में गड़बड़ी के आरोप के चलते यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के मामले में भी प्रदर्शन, भर्तियों को पारदर्शी रूप से कराने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के गेट के बाहर निकलने की कोशिश, पुलिस ने छात्रों को मेन गेट पर रोका। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन। आरएएस भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू में गड़बड़ी के आरोप, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के मामले में भी प्रदर्शन, भर्तियों को पारदर्शी रूप से कराने की कर रहे हैं मांग। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। आरएएस भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू में गड़बड़ी के आरोप हैं। ललित जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ, जी मीडिया संवाददाता ललित, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। आरएएस भर्ती में साक्षात्कार में जो नंबरों का खेल हुआ है उसको लेकर एबीवीपी की ओर से तीसरी बार ये प्रदर्शन किया गया है। आज फिर से वही मांग की गई है कि शिक्षा मंत्री को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जो साक्षात्कार हुए हैं जिसमें अंक दिए गए हैं उसकी एक निष्पक्ष जांच होने के बाद फिर से परिणाम जारी किया जाए। तो इन्हीं मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी के गेट पर जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसके बाद छात्रों ने अचानक ही सड़क पर यानी कि विश्वविद्यालय के मुख्य मार्ग पर जाने की कोशिश की, जिसके चलते वहां मौजूद भारी पुलिस जाब्ते ने उनको गेट के अंदर ही रोक दिया। साथ ही दोनों गेट को रोक कर उनको बाहर जाने से भी रोका, जिसके बाद फिर जो छात्र थे उन्होंने कुलपति सचिवालय का रुख किया और वहां पर भी जाकर प्रदर्शन किया। हालांकि अब जो स्थिति है वह सामान्य बनी हुई है और जो अब प्रदर्शन कर रहे थे छात्र उन्होंने भी अपना ज्ञापन सौंप दिया है। तो ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है कि जब तक आरएएस भर्ती की साक्षात्कार की जांच नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन जारी रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के।